दोस्तों, पंचायत चुनाव बीते लगभग 7 महीना पूरा होने जा रहा है, पर अभी तक पंचायत प्रतिनिधियों को जितनी भी योजनाओं से अवगत कराया गया है, उतनी योजनाओं पर विकास कार्य के लिए पंचायती राज विभाग पंचायत प्रतिनिधियों को, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो, उनको अभी तक पूरा फंड नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, आखिर देर क्यों हो रही है, आज इस वीडियो में पूरी जानकारियाँ मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नीचे जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पिछले सत्र में नल जल योजना और गली नली पक्कीकरण योजना को पूरा करने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा जो पैसा पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया था, उसका हिसाब अभी तक पंचायती राज विभाग को नहीं दिया गया है, क्योंकि उन योजनाओं को अभी तक पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा सख्ती देखने को मिल रही है, क्योंकि CAG के द्वारा पंचायती राज विभाग को नोटिस भेजा गया है कि आपको जो पैसा दिया गया था, वह पैसा जहाँ भी खर्च हुआ है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दीजिए। इसके आलोक में वार्ड सदस्य मुखिया के उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में जल्द से जल्द जमा कराना होगा, तो ही नए योजनाओं पर काम कराने के लिए उन्हें फंड दिया जाएगा। बिहार के सभी सरकारी कार्यालय द्वारा 92,687 करोड़ रुपया का हिसाब नहीं दिया गया है। राजकोषीय घाटा 29,827 करोड़ तक पहुँच चुका है। एक साल में 29,035 करोड़ का ऋण में इजाफा हुआ है। अंतिम तिमाही में 59% खर्च हुआ है। पंचायती राज विभाग द्वारा सिस्टम को तंदुरुस्त करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। बिहार के सरकारी कार्यालय द्वारा जो भी फंड पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया था, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश भी पहले दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक बहुत सारे प्रतिनिधियों के द्वारा इसको पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर नए योजनाओं पर कार्य कराने के लिए उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। तो जो भी प्रतिनिधि हैं, आपको जो विकास कार्य के लिए जो भी राशि दिया गया था, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अपने प्रखंड कार्यालय में जल्द से जल्द जमा करा दें, ताकि नए योजनाओं पर कार्य कराने के लिए आपको राशि दिया जा सके। आशा करते हैं हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नीचे जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।